दो तालाब पर दिवाली की पार्टी कर रहे तीन युवकों को वहां से निकल रहे 10 से 12 युवकों ने पहले चमकाया, फिर हमला बोल दिया। हादसे में एक युवक चाकू लगने से घायल हुआ है, जबकि दो को भी चोट आई है। कार्तिक चौक निवासी कोशिन खान पिता असगर हुसैन अपने दोस्त सम्राट जैन पिता संतोष जैन और अयान मंसूरी पिता याकूब के साथ दो तालाब पर शुक्रवार रात 10:30 बजे दिवाली की पार्टी मना रहा था। यह लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे थे। इसी बीच 5 लोग आए और तीनों को धमकाने लगे। इसी बीच आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया। चाकू लगने से कोशिन को ज्यादा चोट आई है। उपचार के लिए तीनों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। कोशिन नीट की तैयारी कर रहा है, जबकि सम्राट 12th क्लास में है। अयान भी 12वीं का स्टूडेंट है। आरोपी पीली पल्सर पर सवार होकर आए थे। 9 से 10 बजे करीब दो तालाब पे इनका एक फ्रेंड है, तो दिवाली के लिए इन मिठाई लाया था, तो उन्होंने साइड में गार्डन में बैठ के और खाने की ये कर रहे थे, तो एकदम से अज्ञात लोग हथियारों के साथ आए। 4-5 लोग थे और वो किसी दूसरे लोगों से उनकी लड़ाई थी, और मतलब वो लोग तो भग गए और मतलब उनके पीछे इनको बोले कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और फिर इनको मारा, इनसे मतलब गाली गलौज की, फिर वो इनसे धक्का मुक्की करी, उसके बाद दो ही तीन ही को चाकू मारे हैं। सर, एक की पहचान बताइए कि पीली कलर की पल्सर पे थे एक जना, और बाकी ये पहचान ज़्यादा करनी पड़ी क्योंकि बहुत लिटा लिटा के इनको मारा है। या तो हमारा बहुत आग्रह है कि इनके वो जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए जल्दी से जल्दी, नहीं तो शहर में बहुत आतंक बढ़ रहा है, ऐसे तो कल को किसी को भी मारने लगे, मतलब रोड पे भी हरकतें होने लग जाएगी। क्या नाम है तीनों का? एक का नाम कोशिन खान है, एक का नाम अयान मंसूरी है, और एक और का नाम सम्राट जैन है। कहाँ के रहने वाले? ये एक कार्तिक चौक निवासी, दो कार्तिक चौक निवासी, एक अंडा गली निवासी है।